हाय, मैं रोशन और आप देख रहे हैं रोनी टाइम्स। रोनी टाइम्स में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अभी बिहार में हो रहे उपचुनाव की। उपचुनाव में जहाँ सभी पार्टियाँ अपनी जोर लगाती है, सभी अपने एक से एक रैली में दावे करते हैं कि मेरी रैली में लाखों की भीड़ आई, तो मेरी रैली में लाखों की भीड़ आई है। और वहीं घिसी पिटी डायलॉग, वहीं घिसा पिटा बातें, सब कुछ मैं आऊँगा तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पार्टियाँ है लॉलीपॉप देती रहती है चुनाव के समय में, चलता है। जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो सबसे ज़्यादा है जन स्वराज पार्टी, जहाँ दो सालों से प्रशांत किशोर अपनी यात्रा शुरू किए और फाइनली 2 अक्टूबर को पार्टी बनाया और ये उपचुनाव में उसकी पार्टी 4 विधानसभा सीट पे चुनाव भी लड़ा रहा है अपने कैंडिडेट को। और चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि नई पार्टी है और सारे जो बिहार के वोटर्स हैं, बिहार के जो लोग हैं, सबकी निगाहें जो बिहार की जो भी पार्टियां हैं, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी पार्टियां, सबकी निगाहें प्रशांत किशोर पर हैं। वो प्रशांत किशोर को इस नज़र से देखा जा रहा है, इस पार्टी को। अगर इस पार्टी में परफॉर्मेंस अच्छा किया तो ठीक है, नहीं तो भैया ये पार्टी और पार्टी की तरह जैसे आई वैसे ही चला जाए। और प्रशांत किशोर भी पूरा जी जान लगा दी है, हर सभा में, हर छोटी से छोटी मीटिंग में खुद वो जाते हैं और खुद वो मीटिंग कर रहे हैं। चुनाव के शुरुआती में ही सबसे पहला प्रशांत किशोर को झटका लगा, अचानक 2 कैंडिडेट को चेंज करना पड़ा। एक बेलागंज से खिलाफत हुसैन साहब को और दूसरा तरारी से पीके सिंह को। इस तरह से प्रशांत किशोर और उसके प्रत्याशी अभी फील्डिंग कर रहे हैं, प्लस उसके जो भी वर्कर्स हैं जन स्वराज पार्टी के जो फील्डिंग कर रहे हैं, उससे सभी की जुबानों पर तो ये तो तय लग रहा है कि प्रशांत किशोर के कैंडिडेट जीतने जा रहे हैं। अब कितने विधानसभा में जीतेंगे ये तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा। फिलहाल जो कुछ विधानसभा है उसमें बहुत तेजी से चर्चा चल रहा है, जैसा कि पहला विधानसभा है बेलागंज, दूसरा विधानसभा है तरारी, तीसरा विधानसभा है इमामगंज। इन तीनों विधानसभा में इतनी तेजी से चर्चा चल रहा है कि जैसे लगता है कि भैया ये प्रशांत किशोर फाइनली जीत चुके हैं मुकाबला। लेकिन अब जितनी लोगों उतनी बातें आप समझ सकते हैं, लेकिन फाइनली रिजल्ट तो 23 नवंबर को आएगा और 23 नवंबर को ही पता चलेगा कि वाकई में प्रशांत किशोर बिहार में इतिहास रचने वाले हैं या और वो पार्टी की तरह जैसे आए वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। विशेष चलिए अभी तरारी में प्रशांत किशोर ने क्या कहा है। बहुत तेज़ी से ये उनका स्पीच, उनकी बातें वायरल हो रही है, आप सभी को ये वीडियो देखना चाहिए पूरी। जी हाँ, आप आगे आगे चलिए, आप सुधारिए, हम हाथ जोड़ रहे हैं। एगो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 गो प्रशांत किशोर आ जाए हम तब वो सुधरे वाला नहीं है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता, कोई नहीं सुधार सकता। यहाँ के पब्लिक को सुधारना ही नहीं है, यहाँ बैठा हुआ कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके परिवार का जवान लड़का मजदूरी करने बाहर नहीं गया। जो लड़का आपका सवांग घर का बाहर गया एक बार साल में छठ में भेड़ बकरी के तरह बैठ के ट्रेन में बस में कुचा कर आता है, 10 दिन के लिए आप उसका मुंह देखते हैं। साल में वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए आप छटपटा के रह जाइएगा, देख नहीं सकते हैं। वो आदमी वहां शरीर गला रहा है, 10,000 रुपया के लिए अपना पेट काटता है कि घरे 6,000-8,000 भेजेंगे, बाल बच्चा खाएगा। और लोगों से पूछ रहे हैं वोट काहे दे रहे हो, कहता हमारा जात वाला खड़ा है इसलिए दे दिए, गौवा में आके मुर्गा भात खाए खिलाया इसलिए दे दिए। तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा। हम कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं, हम मीठा बात बोलने नहीं आए हैं, आपको करैला का रस पिलाने आए, आपको चीनी का रोग हुआ है और आपका आंख नहीं खुल रहा, न सुधरने वाला है। मेरे भाई, नहीं जगोगे तो लिख के ले लो, ये जाति धर्म 500 रुपया मुर्गा भात पर वोट दोगे तो जिस गरीबी बदहाली में आपका जीवन बीत रहा है, इसी गरीबी बदहाली में आपके बच्चों को भी जीना पड़ेगा। लोग कहता है कि बिहार में बहुत जातिवाद बा, हम आपको कह रहे हैं कोई जातिवाद नहीं है। आज तक हमारा कोनो नेते ना मिलन जात के राजनीति करे वाला, पूछते हैं तो लोग कहता है लालू जी जात का राजनीति करते हैं, हम आपको बता रहे हैं लालू जात का राजनीति नहीं करते।
लालू जी अगर जात का राजनीति करते तो ये कहते कि यादव समाज का कोई काबिल आदमी ही बिहार का राजा बनेगा और सब यादव जी लोग आप लोग हमको वोट दीजिए। लालू जी कहाँ कहते हैं? लालू जी कहते हैं हमारा लड़का बिहार का राजा बनेगा और सब यादव जी लोग आप लोग हमको वोट दीजिए। जात के राजनीति कहाँ भई? ये तो लड़का के राजनीति भई, परिवार के राजनीति भई। अरे भाई, नेता अपना और अपने बच्चों की राजनीति कर रहा है, जात में आप और हम अधुराए हैं। यहाँ से खड़ा बारन सुनील पांडे जी, सुनील पांडे खड़े हैं। भूमिहार भाई लोग कहता हमारा जात के हवन ऐसे वोट दे। जितने भूमिहार समाज के लोग यहाँ हैं, आपको खुला चुनौती दे रहे, एक बार जरा सुनील जी से बतिया लीजिए कि मेरे भाई यहाँ 70,000 भूमिहार समाज के लोग हैं, इस पूरे समाज में एको भूमिहार का कोई लड़का काबिल नहीं है, अपना लड़का ही उनको दिख रहा है। अपने लड़के की राजनीति कर रहे हैं, आपकी राजनीति नहीं कर रहे हैं। और अगर आप उनके लड़के को वोट देते हो तो याद रखिए, उनका दम नहीं है कि नीतीश कुमार का खिलाफत कर दे। अभी कल बैठक हुआ है, जितना भाजपाई है ये सब कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेगा। तो जब आप जात के नाम पर सुनील पांडे को वोट दे रहे हैं, माले से डर कर दे रहे हैं, तो याद रखिए आप नीतीश का हाथ मजबूत कर रहे हैं। एक महीना पहले अभी जमीन के सर्वे भइल, घर घर में नीतीश कुमार ने लड़ाई लगवाया है। अभी सर्वे रुका है, आपके बहन से, फुआ से, मासी से, आपके हर आदमी के जमीन पर डिस्प्यूट खड़ा होगा। अभी हम लोग हल्ला मचाए हैं तो सर्वे रुका है, ये सर्वे फिर चालू होगा। और जितना लोग यहाँ पर हैं, जात के नाम पर वोट दे रहे हैं, मेरे भाई आपको आगाह कर रहे हैं, किसी का जमीन छूटने वाला नहीं है। जब तक पूरा वंशावली में साइन नहीं कराइएगा, जमीन आपके पास रहेगा, बेचने का अधिकार चला जाएगा। उस नीतीश कुमार को आप वोट दे रहे हैं कि भाजपा का लबादा ओढ़कर जो पांडे जी वोट मांग रहे हैं, उनको एक ही बात कहिए कि एक बार कहो कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हम आपको वोट देंगे। वो नहीं कह सकते हैं। वही हाल एमएल का है। जितने हमारे गरीब साथी एमएल को 100-100 रुपया, 50-50 रुपया पेट काट के उसको चंदा दिया है, 10 बरस तक एमएल का यहाँ विधायक था, आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए कुछ नहीं किया, और अभी आपको दूसरी जातियों का भय दिखाकर वोट मांग रहा है। मेरे भाई इतना ही कहने आए हैं, आपस में लड़ना बंद कीजिए। नेता सवर्ण को पीछे से, पीछे वाले को आगे से, गरीब को अमीर से, अमीर को गरीब से लड़ाकर अपना साध रहा है और आपके बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है। संभलना है तो संभलिए, जन सुराज को अपनाइए। नहीं ठीक लगता है किसी निर्दलीय को वोट दीजिए, वो भी ठीक नहीं लगता है, नोटा को वोट दीजिए, लेकिन जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक मारा है, जिन्होंने आपको अनपढ़ और मजदूर बनाया है, उसको वोट मत दीजिए। और अगर दीजिएगा तो प्रशांत किशोर का उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन लिख के ले लीजिए, जिस गरीबी बदहाली में आपका जीवन बीत रहा है, आपके बच्चों को भी उसी गरीबी बदहाली में जीना पड़ेगा। यही बात बताने आए हैं। ठीक लगे तो जन सुराज को अपनाइए, और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए, लेकिन गलती करोगे तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप खुद ही जिम्मेवार होगे। यही बात कहने आए हैं। एक बार मैं नारा लगाऊंगा, जय बिहार। आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। इतने दम भेजा के आदमी के नेता सब इतना खून चूस ले ले बड़ा सन की मुंह में से आवाजो नहीं खेल निकल। एक बार बोलिए जय बिहार। पीछे के आदमी सब महाराष्ट्र में रहते हैं कि झारखंड में, बिहार में, लेकिन बिहार का ती आवाज नहीं निकल। यही से ना बिहारी कह के गाली पड़ता रोज।
अरे एक बार बोलो ऊंचे आवाज में, जय बिहार।